साहब तो अरे चाचा को नीचे ले लो भाई। 12 रबी अव्वल को मक्का में हुई थी। आमतौर पर सब यही जानते हैं कि पैगंबर साहब का जन्मदिन है, लेकिन पैगंबर साहब के पैदाइश के साथ इस दिन इस दुनिया से उनकी रुखसत भी इसी दिन हुई थी। इसी वजह से ईद मिलादुल नबी को बारहवां भी कहा जाता है। इस खास दिन पर पैगंबर साहब के जीवन और उनकी दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म में जो बेसिक बुनियाद है वो मानवता की है। मानवता के नाम पर ही हर धर्म चलता है, और हमारे जुलूस निकालने का जो मकसद होता है वो भी मानवता का दिखावा करना, एकता का दिखावा करना, और सभी जो प्राणी मात्रा पर जिसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, अपने सारे सभी इंसान को, सबका मूल जो है वो मानवता में है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, सबको जीने का अधिकार है, सबको अच्छे से जीने का अधिकार है। और इसीलिए इस्लाम में भी जो जकात का जो
जिक्र है और जकात जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि समाज में से अपने मानवता में से कोई भी पीछे न छूट जाए, कोई आगे न निकल जाए, इतना आगे न निकल जाए कि समाज में जो है वो दुही हो जाए। फिर वो जो दुही है वो किसी भी धर्म में हो या किसी एक धर्म के अंदर लोगों में हो, ये दुही जो है वो हमें हमारे जो उन्नति है उससे आपको नीचे लाती है, ये मैं जरूर आज यहाँ कहना चाहूँगा। दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं डॉक्टर शेख मुर्तजा जी का मैं और उनके कमेटी मेंबर्स और सभी जो मंच पर विराजमान हैं सभी कमेटी मेंबर्स और अतिथिगण जिन्होंने सबने मिलके मेरे साथ बैठ के फैसला किया कि हमारे शहर में कोई हमारे में दुही नहीं है, सभी सभी धर्म सभी जाति के लोगों को आनंद के साथ और एकता के साथ अपना अपना जुलूस निकालने का जो सौभाग्य है वो मिलना चाहिए। इस मुकाम पर आने के बाद में ये तय किया गया कि गणेश विसर्जन का जो जुलूस है वो 28 को निकलेगा, क्योंकि गणेश मूर्ति का उस दिन विसर्जन होना होता है और जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है वो जो है अपन 30 तारीख को अच्छी तरह से निकाला जाए। इसमें हमारे दो तीन डेट भी रहते हैं, तो एक आया था तो 29 को ही कर लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब अगर करना ही तो फिर अपन अच्छा आराम से बढ़िया मैनेज करके करेंगे। तो हमने उस बात को स्वीकारा, हमने कहा कि यस ये भी जुलूस है, ये भी एकता के साथ मानवता को कायम करते हुए और ये जुलूस उसी ढंग से निकालना चाहिए जिस ढंग से उसकी जो पैगंबर साहब को जो उम्मीद है, जो कौन से उम्मीद है कि जिस ढंग से रहना चाहिए उस ढंग से ये जुलूस निकाला जाए। इस कारण से हमने ये डिसीजन लिया। पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और इस्लाम को आगे बढ़ाया और वो इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर थे। मैं ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मेरी तरफ से कमेटी के आयोजक संयोजक डॉक्टर शेख मुर्तजा साहब जुलूस में शामिल सभी रजा अकादमी है और आपके दावत इस्लामी है सुन्नी जमात सभी है, यहाँ नाम लेने जाओ तो किसी के रह जाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जुलूस में शामिल जुलूस के संयोजक और जुलूस में शामिल हर व्यक्ति इसको मैं आज मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और जश्न मिलादुन्नबी सबको मैं यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। पैगंबर साहब के बताए सही और अच्छे मार्गदर्शन पर चलने और खराब और बुरे काम से बचने की मैं आपको सबको यहाँ पर हिदायत देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, आपने देखा होगा एक मुहिम हमने पुलिस ने और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, पयामे इंसानियत, जो इंसानियत का एक संदेश लेके एक अच्छा काम शहर में करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पुलिस ने उनका साथ जरूर दिया है। वो काम ये है कि जो नशे के आदि जो आज का युवा जा रहा है उसको नशे से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपको उन्नति करना है तो नशे से काम नहीं, और वैसे भी इस्लाम में इसको हराम कहा गया है लेकिन इसकी समझ जो है वो समाज के बुजुर्ग लोगों ने ऐसे जुलूस के माध्यम से सबको देना चाहिए। जो हमारा यंग क्राउड है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको अपनी उन्नति के सही रास्ते या इस जुलूस के माध्यम से दिखना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद यहाँ पर जताता हूँ। एक पुलिस आयुक्त के इस नाते से मेरा फर्ज है कि अगर कोई गुमराह हो रहा है तो उसको सही रास्ता दिखाना और सही रास्ते पे लेके जाने के लिए समाज के जो बुजुर्ग हैं उनका सभी का साथ और उनका सभी के साथ मिलके ही ये संभव हो पाता है, इसकी मुझे पूरी मुझे आइडिया है। अब समय आगे है जहाँ धैर्य शांति एकजुटता भाईचारा बनाए रख के अपने शहर अपने राष्ट्र का अपने राज्य का सम्मान बढ़ाए, अपनी भी उन्नति करे सुरक्षा के लिए एवं सभी लोगों के साथ सांप्रदायिक सद्भावना जो है वो बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद अपने को मानवता का संदेश लेके सब में एकता की भावना जुटाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ और वैसे मैं अपेक्षा इस जुलूस में शामिल हर व्यक्ति से मैं वो करना चाहता हूँ। इस मौके पर फिर से एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देके ये जुलूस पूरे आनंद के साथ और अमन के साथ और अच्छा एक दूसरे का भाईचारा रखते हुए ये जुलूस आज अपन यहाँ पर आपका कंट्रोल होगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। मैं उसको दूसरा लफ्ज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे गारंटी है कि ये जुलूस बहुत ही आनंद के साथ और बहुत शांति और अच्छी तरह से ये जुलूस होगा। जिस जुलूस को अभी पुलिस आयुक्त के नाते मैं यहाँ चालू करने जा रहा हूँ वो जुलूस एक
नई मिसाल यहाँ पर कायम करे, ऐसी उम्मीद आज मैं जताता हूँ। और आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया आपने, मुझे यहाँ मुझे नवाजा, उसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की पाबंदी से डिसिप्लिन का वो कायल हो गया हूँ, तो साहब मुझे बिल्कुल डर आ गए जैसे लाली। आपको भी नाम है, अपन क्या करेंगे, आपके सामने एक इधर से एक इधर से अपने नक्शे कदम चलते रहे। बढ़िया बढ़िया, थोड़े से चावल आगे कर दो, दस्तर बढ़िया मामू कहीं।